So, जावा so, का जो हमारा कोर्ट है वो एक जगह लिख के हम उसे कई जगह रन कर सकते हैं लाइक like, मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं वी कैन अचीव दिस विद देल्प ऑफ जावा कम्पायलर एंड कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड हम ये सब जावा कंपाइलर की हेल्प से अचीव कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारा जो बाइट कोड होता है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है तो हमारी नीचे की इमेज से आपको पता पता चल ही रहा है जैसे कि ये हमारा सोर्स कोड है हमारी क्लास टेस्ट की फाइल है टेस्ट डॉट जावा फाइल अब कंपाइलर ने इसे कंपाइल किया कंपाइल करने के बाद इसे बाइट कोड में जनरेट कर दिया और टेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट कर दी और अब इस डॉट क्लास फाइल को हम लोग विंडोज पे भी रन कर सकते हैं मैक पे भी रन कर सकते हैं लाइनक्स पे भी रन कर सकते हैं सो so, इसी तरीके से जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है आर द एक्सेस एक्सेस इन जावा जावा में access specifiers क्या होता है इनका क्या यूज होता है हम इनको यूज ही क्यों करते हैं एक्चुअली एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास इंटरफेस वेरिएबल्स एक्सेट्रा एक्सेस स्पेसिफायर्स जो होते हैं वो हमारा स्कोप डिफाइन करते हैं कि हमारे क्लास इंटरफेस वेरिएबल्स इन सब का स्कोप क्या है इट विल डिफाइन हाउ दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम अदर लोकेशन ऑफ प्रोग्राम हम ये चीज डिफाइन कर पाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की हेल्प से कि हम अपने पर्टिकुलर इस क्लास या इंटरफेस वेरिएबल को किसी अलग लोकेशन से अगर एक्सेस करना चाहें तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं जावा में हमारे पास फोर टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफॉल्ट सो प्राइवेट में द एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर ओनली विद इन द क्लास जो एक्सेस लेवल होता है प्राइवेट मॉडिफायर का ये सिर्फ क्लास के तक लिमिटेड रहता है इट कैन नॉट बी एक्सेस्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड द एक्सेस लेवल ऑफ मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास इफ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैकेज जो एक्सेस लेवल होता है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर का वो सिर्फ पैकेज तक ही होता है अगर हमें उसे पैकेज के बाहर एक्सेस करना है तो हम चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अगर हम चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं करते हैं तो हम पैकेज के बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास आउटसाइड द क्लास विद इन पैकेज एंड आउटसाइड दस इसको हम लोग क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं डिफॉल्ट अब डिफॉल्ट का एक और पॉइंट है जब हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट की तरह ट्रीट होता है द एक्सेस लेवल ऑफ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज जो एक्सेस लेवल होता है डिफॉल्ट मॉडिफायर का वो सिर्फ पैकेज के अंदर तक ही होता है इट कैन नॉट बी एक्सेस

अब नीचे दी हुई इमेज में मैंने आपको मेथड की एक बॉडी दिखाई हुई है कि यहाँ पे पब्लिक इंट गेट सम इंट ए कॉमा बी इंट ए और कॉमा बी ये हमारे वही इनपुट हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट थ्री में बताया है और इन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं कॉमा लगा के हमने नीट के हिसाब से और पैरामीटर्स यहाँ बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो हम कोई भी पैरामीटर नहीं रख सकते हैं मतलब या तो पैरामीटर्स हमारे जीरो भी हो सकते हैं या तो हम जितने चाहे उतने पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ये हमारा मैथड का नेम होता है ये हमारा उसका रिटर्न टाइप होता है कि मेथड हमारा क्या रिटर्न कर रहा है इंट स्ट्रिंग बुलियन जो भी है हम यहाँ पे वो डिफाइन कर देते हैं और सबसे पहले हमारा ये आ जाता है मॉडिफायर यह हमारा पब्लिक होता है या प्रोटेक्टेड होता है या डिफॉल्ट होता है या जैसा आप अपने मेथड की डिफिनेशन बनाना चाहते हैं और ये हमारी मेथड की बॉडी है जहाँ पे हमने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं रन करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे इंट रिटर्न किया था तो हमने यहाँ पे इंट ही रिटर्न करेंगे सब हमारा जो है वो इंट टाइप का है सो आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा नेक्स्ट इज द मेन मैथड इन जावा मेन मैथड क्या होता है जावा में इट इज द मैथड वेयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट ये वो जगह होती है जहां पे हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और वी कैन जस्ट से डेट इट्स एंट्री पॉइंट और या तो हम इसे एक एंट्री पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के हैं इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ जावा इसीलिए इसे हम एक तरीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड कहते हैं हमारे जावा का जेवीएम लुक्स फॉर द मेन मेथड वेन वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम JVM सिर्फ मेन मेथड को ही ढूंढता है जब वो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है ये हमारा मेन मैथड का सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग जिसमें पब्लिक हमारा एक्सेस मॉडिफाइर हो गया स्टैटिक हमारा की हो गया वाइड हमारा रिटर्न टाइप हो गया वाइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है जावा में उसका बेसिक यूज हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट लिए करते हैं वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विध वेरियबल्स मैथड्स ब्लॉक एंड नेस्टर क्लास हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज वेरियबल्स के साथ भी कर सकते हैं मैथड्स के साथ भी कर सकते हैं ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं और नेस्टेड क्लास के साथ भी कर सकते हैं द स्टैटिक वेरियबल्स कैन बी यूज टू रिफर द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसे एक तरीके से कॉमन प्रॉपर्टी रिफर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक नहीं होगी सेम ही होगी फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेट्रा जैसे कि कंपनी का नाम हो गया एम्प्लॉयज का हमारे पास एक एम्प्लॉज का ऑब्जेक्ट है बट सभी इंप्लाइज का जो कंपनी का नेम है वो तो सेम होता है तो हमारा जो कंपनी नेम का वेरिएबल होगा वहां पर हमें यूज करके अपना मेमोरी मैनेजमेंट इजिली मैनेज कर सकते हैं ताकि हर ऑब्जेक्ट के लिए जब हम इस वेरिएबल में डेटा स्टोर करें तो इस स्टैटिक कीवर्ड जहां पे उसे मिल रहा है वहां पे हर जगह हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग उसे मेमोरी में स्पेस ना क्रिएट करना पड़े और सेकेंड एग्जाम्पल होता है कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट है तो जो कॉलेज नेम होता है सभी स्टूडेंट्स का वो सेम होगा उसी हिसाब से कॉलेज के नेम को हम स्टैटिक कीवर्ड लगा के मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं द स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार ही मेमोरी एलोकेट होती है जब क्लास लोड होती है

स्टैटिक ब्लॉक इज यूज टू इनस्लाइज द स्टैटिक डेटा में स्टैटिक जो ब्लॉक्स होते हैं वो इनस्लाइज करते हैं हमारे स्टैटिक डेटा को इट इज एक्ट बिफोर द मेन मेथड ये मेन मेथड से भी पहले एग्जीक्यूट होता है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग क्लास लोडिंग के टाइम पे वट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथड ओवरलोडिंग एंड ओवर ओके मैथड ओवरलोडिंग एंड मैथड ओवर इसका पहला सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि मैथड ओवरलोडिंग जो होता है एक तरह का कंपाइल टाइम पॉलोपोलिम होता है और मेथड मेथड हमारा रन टाइम होता है इन केस ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट भी डिफरेंट मेथड ओवरलोडिंग के टाइम पे पैरामीटर्स अलग मैथरलोडिंगीटर्स डिफरेंट होते हैं मगर मेथड का नेम सेम होता है तो उसे हम मेथड ओवरलोडिंग की तरह ट्रीट करते हैं बट ओवर पे यहाँ पे पैरामीटर सेम होते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्लास के अंदर परफॉर्म होती है मैथड ओवरलोडिंगफॉर्म विद इन द क्लास मैथड ओवर अकर्स इन टू क्लासेस डेट रिलेशनशिप मेथड ओवर दो क्लासेस में अकर होती है जिनके जो जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप फॉलो कर रहे होते हैं रिटर्न टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट इन मेथड ओवरलोडिंग जो रिटर्न टाइप होता है मेथड ओवरलोडिंग में वो सेम या डिफरेंट हो सकता है बट यू मस्ट हैव टू चेंज द पैरामीटर बस यहाँ पे पैरामीटर्स का काउंट अलग अलग होना चाहिए रिटर्न टाइप्स मस्ट बी सेम और कोवरेंट इन मैथड ओवर रिटर्न टाइप्स मैथड ओवर में रिटर्न टाइप सेम ही होने चाहिए कैन वी ओवरलोड मेन मेथड क्या हम अपने मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं ये वी कैन ओवरलोड मेन मेथड द कंपायलर व्हीक द पैरामीटर सिर्फ उसी मेन मैथड को चेक करेगा जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग आर्क लिखा होता है एंड वो उसी को एक तरीके से एंट्री पॉइंट ट्रीट करता है एंड इट विल रिकॉगनाइज इट एज अंट्री पॉइंट इन टू द प्रोग्राम जे वी एम कॉल द ऑरिजिनल मेन मैथड जे वी एम इस तरह ओरिजिनल मेन मैथड को आइडेंटिफाई कर लेता है एंड इट डज नॉट कॉल्ड द ओवरलोडेड मेन मेथड और वो किसी ओवरलोडेड मेन मेथड को कॉल नहीं करता वट इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिश्लाइज द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिश्लाइज करने के लिए करते हैं इट मस्ट हैव द सेम नेम ऑफ द क्लास्टक्टर का नाम और क्लास का नाम जरूरी है कि सेम हो इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इज यूजिंग न्यू क्यूवर्ड जब जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू क्यूवर्ड का यूज करके द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। है? Process है, है, क्या ये एक का प्रोसेस पे class हमारे उन methods को, और attributes को करती है दूसरी क्लास में इट प्रमोट द कोड रिबिलिटी इसकी हेल्प से हम अपने कोड को बार बार यूज कर सकते हैं इन जावा वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड जावा में हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इनहेरिटेंस अचीव करते हैं नीचे जैसे आप एक इमेज देख रहे हैं हमारी एक मेन क्लास होगी व्हीकल और हमारी सब क्लासेस हो गए कार ट्रक बाइक रिक्शा अब इन सब क्लासेस ने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इसको एक्सटेंड कर लिया तो अगर हमने व्हीकल में कोई मेथड अगर क्रिएट किया जैसे कि स्टार्ट और उस और उस स्टार्ट मेथड को हम अपनी चारों सब क्लासेस में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं वट इज द फाइनल कीवर्ड इन जावा द फाइनल कीवर्ड इन जावा इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर द जावा फाइनल की वर्ड कैन भी यूज इन मैनी कॉन्टेक्स जो फाइनल कीवर्ड होता है जावा में वो यूजर को रिस्ट्रिक्शन देने के लिए होता है द जावा फाइनल की वर्ड कैन भी यूज इन मैनी कॉन्टेक्स जावा का जो फाइनल कीवर्ड होता है वो कई कई अलग तरीके से यूज कर सकते हैं फाइनल कैन भी यूज विदेबल मैथड इन क्लास इसका यूज हम वेरिएबल के साथ भी करते हैं मैथड के साथ भी करते हैं और क्लास के साथ भी करते हैं इफ़ यू मेक एनी वेरिबल एज अ फाइनल अगर हमने किसी वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड का यूज किया है यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट फाइनल वेरिएबल तो हम उस

क्लास विच इज डिक्लेयर विद्स्रैक्ट कीवर्ड इज नोन एज द एब्रैक्ट क्लास इन जावा ऐसी क्लास जिसके आगे हम एब्सट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं उन्हें हम एब्रैक्ट क्लासेस कहते हैं इट कैन हैव एब्रैक्ट एंड नॉन एब्सट्रैक्ट मैथड्स एब्सट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एबस्ट्रैक्ट्स और नॉन एब्सट्रैक्ट मैथड्स दोनों ही टाइप के मैथड्स होते हैं इट कैन नॉट भी इंसाशियेटेड इनको हम इंसाशियेट नहीं कर सकते इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टार्टिंग मैथड्सो एब्सट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर्स और स्टार्टिंग मैथड्स भी होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई जावा इज नॉट हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा हमारी हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है तो जावा हमारी हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसलिए नहीं है बिकॉज जावा प्रे डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करती है प्रमिटेड डेटा टाइप्स जैसे कि इंट डबल फ्लोट कैर बोलियन लॉन्ग एंड शॉर्ट ये सभी हमारे प्रिमटेड डेटा टाइप्स है और जावा इन्हें सपोर्ट करती है बट इन सभी प्रिमटेड डेटा टाइप्स के लिए हमारे पास रैपर क्लासेस भी हैं जो हमारे इन प्रिमटेड डेटा टाइप्स को एक ऑब्जेक्ट क्लास पर रैप कर देती हैं जैसे कि इंट के लिए इंटीजियर डबल के लिए डबल बट डबल फ्लोट कैर बोलियन में सबका वहाँ पे कैपि जो हमारा फर्स्ट uh, लेटर है वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा सो दिस इज वाई जावा हमारी हंड्रेड परसेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है वॉट इज द मार्कर इंटरफेस इट कैन बी डिफाइंड no द इंटरफेस एंड मेंबर फंक्शन मार्कर इंटरफेस एक ऐसा इंटरफ़ेस होता है जिसके अंदर कोई भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन नहीं होता है अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मार्कर इंटरफेस एक तरह का एम टी इंटरफेस होता है जावा में कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मार्कर इंटरफेस है जैसे कि सीरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज अ डेटा इन कैप्सुलेशन डेटा एंड कैप्सून इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द डेटा एट्रीब्यूट्स एंड देयर बिहेवियर्स इन अ सिंगल यूनिट डेटा एंड कैप्सुलेशन एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम हाइड कर सकते हैं हमारे डेटा एट्रीब्यूट्स को और उनके बिहेवियर्स को एक सिंगल यूनिट में इट इज यूज फॉर द सिक्योरिटी एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हेल्स सर्व द पर्पस ऑफ द डेटा हाइडिंग इसका यूज बेसिकली हम लोग सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए करते हैं ताकि हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज और उनके ऑब्जेक्ट्स को ताकि वो जिस पर्पस के लिए सर्व हो रहे हैं उसको हम लोग हाइड कर सकें

हमारी वैल्यू मेमोरी में किस लोकेशन में स्टोर है अगर दोनों की लोकेशन वो सेम है या नहीं उस चीज को कंपेयर करता है और डॉट डॉट इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास ये हमारे क्लास का एक मैथड ऑब्जेक्ट क्लास हमारी जावा में जितनी क्लासेस होती है सबकी पेरेंट होती है सो वी कैन ओवरराइड ओवर कस्टम डॉट इक्व मैथड इन द कस्टम क्लास इसकी वजह से हम लोग डॉट इक्व मैथड को ओवर राइड कर सकते हैं अपनी कस्टम क्लास में कंपेरिजन करने के लिए दिस मैथड इज यूज फॉर चेकिंग द क्वालिटी

जावा क्लास लोडर एक तरीके का प्रोग्राम है जो कि जी से बिलोंग करता है जावा एंड टाइम इन्वायरमेंट इसका काम सिर्फ इतना होता है ताकि हमारे रिक्वायर क्लासेस और इंटरफेस को लोड कर सके जब जेवीएम को उसकी जरूरत होती है एग्जाम्पल टू गेट इनपुट फ्रॉम द कंसोल वी रिक्वायर द स्कैनर क्लास हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है जब हमें कंसोल से इनपुट चाहिए होता है एंड द स्कैनर क्लास इज लोडेड बाय द क्लास लोडर एंड स्कैनर क्लास उस टाइम क्लास लोडर की हेल्प से लोड होती है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गार्बेज कलेक्शन गार्बेज कलेक्शन का आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर इज टू फ्री ऑफ द मेमोरी स्पेस ऑकुपाइड बाय द अननेसेसरी एंड अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय डिलीटिंग दोज अनिचल ऑब्जेक्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे गार्बेज कलेक्शन का वो जो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिनका अब हम लोग कोई यूज नहीं कर सकते वो अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स है तो उन्हें डिलीट कर देना उनका अब हमें कोई यूज तो है नहीं तो उसे हम डिलीट कर सके तो गार्बेज कलेक्शन ही ऑटोमेटिकली वर्क करता है हमारे लिए ही मेमोरी गेट क्लीन इन द प्रोसेस ऑफ द गार्बेज कलेक्शन हमारे मेमोरी एरिया में जो ही मेमोरी होती है गार्बेज कलेक्शन के टाइम पे सिर्फ वही एरिया क्लीन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर कीवर्ड इंजावा इंजावा एक्चुअली सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सेस मैथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास वाइल दिस इज यूज फॉर द एक्सेस मैथड ऑफ द करेंट क्लास सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम लोग पेरेंट क्लास के मैथड्स एंड वेरीबल्स को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि दिस कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग सिर्फ करंट क्लास के मैथड्स एंड वेरीबल्स को एक्सेस कर सकते हैं नेक्स्ट हाउ कैन यू मेक अ क्लास इम्यूटेबल हम अपनी क्लास को इम्यूटेबल कैसे कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको इम्यूटेबल पता होना चाहिए इम्यूटेबल क्या होता है इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमने हाँ वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करी है तो उसके बाद हम हाँ वहाँ पे वो वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते लाइक कोई भी मॉडिफिकेशन हम हाँ बाद हाँ में उसमें नहीं कर सकते सो अगर हमें खुद का एक इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करना हो जैसे कि स्ट्रिंग हमारी ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड इम्यूटेबल क्लास है जावा में बट अगर हमें खुद की कोई इम्यूटेबल क्लास बनानी हो तो हमें डिक्लेर अस अ फाइनल सो इट कैन बी एक्सटेंडेड हमें उस क्लास को फाइनल बनाना होगा ताकि हम उसे एक्सटेंड ना कर सके फिर उसके बाद मेक ऑल फील्ड प्राइवेट सो दट डायरेक्ट एक्सेस इज नॉट अलाउड फिर हमारे पास जितने भी फील्ड्स होते हैं वहाँ पे सब उन सबको प्राइवेट करना होगा ताकि उनका डायरेक्ट एक्सेस भी अलाउड ना हो सके डोंट प्रोवाइड से उनका सेट मैथड भी प्रोवाइड नहीं करना है तो इस हिसाब से वो क्लास हमारी इम्यूटेबल क्लास हो जाएगी हमारा लास्ट क्वेश्चन है वॉट इज अंगल्टन क्लास हाउ कैन यू मेक अ क्लास सिंगल्टन इट इज अ क्लास असू अलाउड टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट ये ऐसी क्लास होती है जिसका हम लोग सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं दैट मीन इट रिस्ट्रिक्ट द अननेसेसरी क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब ये अननेसेसरी क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करती है आप अननेसेसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते वेन एवर द न्यू रिक्वेस्ट रेस्ड इट यूजेज द एक्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट रादर देन क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट जब भी एक न्यू रिक्वेस्ट रेज होती है तो ये पुराने ही ऑब्जेक्ट को री करता है नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जगह सो इट विल सेव द मेमोरी सो इस तरह से हमारी मेमोरी सेव हो जाती है वी हैव थ्री स्टेप्स टू क्रिएट सिंगल्टन क्लास हमारे पास तीन स्टेप होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग सिंगलटन क्लास क्रिएट कर सकते हैं डिक्लेयर स्टैटिक डेटा मेंबर मेंच इज इंस्टेंस ऑफ सिंगल्टन क्लास क्रिएट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर रिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास स्टैटिक फैक्ट्री मैथड विच अलाउस टू क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट पहले हमें अपने जो मेंबर उसको कर देना होता है फिर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता, होता है ताकि हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर पाए सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस खत्म कर दिए हमारे कोर जावा के टॉपिक पे आई होप आपका इंटरव्यू अच्छा जाए ऑल द बेस्ट एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब ना कर दिया तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा एंड अगर कोई भी डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक हो प्रोवाइडेड है आप वहां पे जाके हमारे चैनल के लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन वहां पे कोई भी डाउट्स हो तो आप उसे पर्सनली इंटरेक्ट करके हमारे डाउट्स पूछ भी सकते हैं थैंक यू